दिस इज दीपक सिंगल। आइए बात करते हैं इंडिया कनाडा रिलेशंस के बारे में। पाकिस्तानी गवर्नमेंट के हाथ में तो खैर हमने कटोरा पकड़ाया था, बट अब ऐसा लगता है कि ये कटोरा अब कनाडा के हाथ में आने वाला है। सारा केस शुरू होता है हरदीप सिंह निज्जर की डेथ के बाद से, जिसके बारे में जस्टिन ट्रूडो इंडिया में होने वाली G20 समिट में भी बोलना चाहते थे, हालांकि फाइव आईज अलायंस ने इनको बोलने नहीं दिया। वॉशिंगटन पोस्ट बताती है कि इंडिया आने से पहले इन्होंने फाइव आईज अलायंस के सामने अपनी बात रखी और उसके बाद सबने इनको चुप करा दिया। हालांकि इंडिया में अपनी बेइज्जती कराने के बाद जब ये कनाडा पहुंचे तो इनको लगा कि मेरी बहुत ज्यादा ही बेइज्जती हो गई है, आइए थोड़ा कवर अप करते हैं। और उसी में कनाडा की पार्लियामेंट में खड़े होकर बोल देते हैं, कनाडा इज अ कंट्री विच गिव्स इंपॉर्टेंस टू रूल ऑफ लॉ। हरदीप सिंह निज्जर जो कि एक खालिस्तानी टेररिस्ट है, कैनेडियन है, उसकी डेथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करवाई है, मतलब मर्डर, इसलिए इंडियन डिप्लोमेट्स को कनाडा छोड़ने के लिए बोला गया। टिट फॉर टैट एक्शन में कैमरून मैके को हम लोगों ने 4 मिनट की मीटिंग में बुलाया, उनको डाटा, बेइज्जती करी और 5 दिनों के अंदर इंडिया छोड़ने के लिए बोला। ये बात यहाँ पे नहीं रुकी, उसके बाद दोनों ही कंट्रीज एक दूसरे के खिलाफ ट्रेवल एडवाइजरी इशू करती है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 43 से ज्यादा टेररिस्ट की लिस्ट बताई, जिसमें एक नाम और सामने निकल कर आया जिसका नाम है सुखदूल सिंह सुखा। हालांकि सुखा भाई साहब को किसी ने कनाडा में सुखा दिया, 21 सितंबर की ये न्यूज है। अब देखने वाली बात यह है कि खालिस्तान को सपोर्ट करने वाले जस्टिन ट्रूडो सुखा की डेथ का जिम्मेदार भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मानते हैं। अभी फॉलो कीजिए।